दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बी स्वार्म उड़ रहा है, जैसे कैमरा में दिख भी नहीं रहा और मुझे काट भी दिया है एक मधुमक्खी ने। दोस्तों अभी अभी एक मधुमक्खी ने मेरे यहाँ पे गर्दन पे काट दिया है दोस्तों। तो ऐसे उड़ती हुई मधुमक्खियाँ कब काटते हैं दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उड़ने के कारण बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसी कारण वो आपको काट दे सकती है अगर ऐसा कोई स्वार्म आपके तरफ आता हो तो। तो दोस्तों मेरे गर्दन पे एक मधुमक्खी ने काट दिया है। अगर एपिस डोरसाटा होती तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी जलन तो हो रही है। अगर इसकी जगह एपिस डोरसाटा होती तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती, क्योंकि वो एक मधुमक्खी काटने के बाद बाकी मधुमक्खियाँ भी हम पर हमला कर देती है। अगर इस तरह से मधुमक्खियाँ उड़ती हुई हमारी तरफ आए तो आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना है। अगर वो आपके ऊपर आ भी गई तो आपको सीधा ज़मीन पर पेट के बल लेट जाना है और आपने हाथों को अपने सर के ऊपर से रख देना है, ताकि आपके चेहरे को या फिर आँखों के ऊपर कोई मधुमक्खी काट ना सके। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।